ये बाल मच्छर के पैर के बराबर है कि नहीं? मच्छर का कितना पैर होता है कोई बता सकते हैं? छह पैर होता है, तो ताली बजाइए। और छह पैर में कितना गु आता है? 6 मिलियन। अब आप ये पानी पिए पीजिएगा, इसमें गंदगी आ गया। गंदगी आ गया कैसे? अभी तो जितना देर, थोड़ा देर पहले जैसे पानी साफ था, वैसे अभी भी पानी साफ ही है। गंदा तो है, गंदगी दिख रहा है? दिख नहीं रहा है, पर हो गया। आप देख लिए तो आपको लग रहा है कि गंदगी? देख लिए, देख लिए तो आप तो अभी पानी पिए। आप गंदगी, तो गंदगी हम देख लिया आँख से, तो गंदगी हो गया, लेकिन ट्यूबवेल से तो यही पानी निकलता है जो गू वाला पानी निकलता है। समुद्र से नहीं निकलता। आखिर जो क्यारी बांध के आप लोग धान रोपते हैं, वो पानी कहाँ जाता है? क्यारी के बीच में ही चूस लेता है। कहाँ जाता है? जमीन में जाता है, धरती में जाता है। धरती में तो पानी है, पानी है। और ये देखिए मच्छर गू से बैठ के भात में बैठता है, तो क्या भात का थाली हम लोग फेंक देते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? गू पिएंगे, गू खाएंगे तो बीमार तो हम पड़ेंगे। आज 80% बीमारी क्या कहता है कि गंदगी के कारण से, डेंगू मलेरिया डायरिया क्या कहता है कि हाइजा चेचक बहुत सारा बीमारी, खुजली बाबासीर, बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां जो है वो क्या कहता है कि ये मानव मल के कारण से है, गंदगी के कारण से है। आज ये गंदगी हम फैलाना बंद कर दें तो कल से हम अच्छा सेहत अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे, क्योंकि आज डी कुमार, ए के सिन्हा, जैन साहब के